बालिका विद्यालय में वॉक फॉर लाइफ डायबिटीज अवेयरनेस कैंपेन का को चलाया गया और इसमें यहाँ की शिक्षिकाओं और छात्राओं छात्रा और शिक्षिकाओं के बीच में वॉक फॉर लाइफ की अहमता बताई गई कि इसकी महत्ता बहुत है डायबिटीज के कंट्रोल में। और आज के दिन में भारतवर्ष में बिहार के अंदर में भी डायबिटीज के रोगियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इससे अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर करके अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं ये बताया गया। और वॉक फॉर लाइफ के साथ साथ एक्सरसाइज करते हुए अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल पर रखना बहुत आवश्यक है, जिससे कि यह किसी भी एंड ऑर्गन को जिसे किडनी को हार्ट को नर्व को आंखों को कहीं कोई डैमेज ना कर पाए डायबिटीज, और अपना कंट्रोल करते हुए वॉक करते हुए एक्सरसाइज करते हुए अपने को स्वस्थ रखना चाहिए। डायबिटीज से रोकथाम के लिए कुछ जनता का आप कुछ क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले डायबिटीज से रोकथाम के लिए 3-4 बातों पर आवश्यक ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो है आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, नियमित कम से कम 40 मिनट का वॉक मस्ट करें। और साथ में जो खान पान है जंक फूड को अवॉइड करें, हाई कैलोरिक फूड को अवॉइड करें और सामान्य रफेज वाला खाना खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और एक्सरसाइज करते रहें तो आप डायबिटीज को बहुत हद तक कंट्रोल पर रख सकते हैं। जैसा कि आपने बोला कि डायबिटीज में फैटी फूड नहीं खाना चाहिए, फैटी फूड में क्या क्या आता है? देखिए, फैटी फूड चर्बी युक्त खाने में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, जो फ्राई होकर के निकला, जो तेल में छन करके निकला, वो चीजें बहुत ज्यादा हाई कैलोरिक वैल्यू की होती हैं और उसके खाने से डायबिटीज शुगर लेवल बढ़ने के साथ साथ हार्ट के वेसल्स में भी धमनियों में भी कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो फैटी फूड में कोई भी चर्बी युक्त खाना जो होता है, जो तला खाना होता है, फ्राइड चीज होता है, वो सभी आते हैं और हाई फैट वाले जो एनिमल प्रोटीन होते हैं वो भी आते हैं फैटी फूड। आस्था फाउंडेशन के द्वारा आयोजन किया गया है, इसके आप क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, आस्था फाउंडेशन लगातार इस मुहिम को चला रही है और ये जन जागरूकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और इससे बहुत लोगों को वॉक की अहमियत पता चल रही है, एक्सरसाइज और वॉक की, और ये बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम चल रहा है और उम्मीद है कि इसके आह्वान से लोगों में जन जन तक वॉक फॉर लाइफ की महत्ता को पता चलेगी और लोग अपने को एक्सरसाइज के द्वारा और बहुत सारी बीमारियों से और डायबिटीज से अपने को कंट्रोल पे रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे।